और भाई के लग गए हैं एल, क्योंकि आज जो सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले थे वो अब आज नहीं मिलेंगे, उन्होंने बोला कल आना। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी मैं सो के उठा हूँ और अभी विकास भाई का थोड़ी देर पहले ही कॉल आया था क्योंकि हमें आज निकलना है दिल्ली, तो जल्दी से तैयार होते हैं, नहा के तैयार। तो मौसम बहुत मस्त हो रहा है, बस अब पूरे दिन ऐसा ही मौसम रहे और ठंडी ठंडी हवा चले तो मज़ा आ जाएगा यार। अभी चलते हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ जा रही है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट तो भाई ने कुछ मैटर कर दिया था तो वहाँ पे जा रहे हैं कुछ सामान वामान ले, पेपर पर वर्क करने। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं 62 से वहाँ से मेट्रो लेंगे, फिर डायरेक्ट कोर्ट ही पहुँचेंगे। अभी यार उमस इतनी ज़्यादा है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हाँ बैठेंगे कि 62 हाँ बैठ गया। चलो अभी हम लोग सेक्टर 62 पहुंच गए हैं भाई। तो ये रहा मेट्रो स्टेशन सामने है जस्ट, उससे पहले कहाँ जाना है, मैं क्या करना है उससे पहले? उससे पहले एटीएम जाना है, पैसे निकालने, कैश की बहुत जरूरत पड़ती है। मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे एटीएम है और हम लोग के पास ही नहीं होता है कि फोन पे वगैरह सब अवेलेबल होता है, लेकिन कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है तो हमारे पास कैश ही नहीं रहता। अभी भाई को मैंने बोला था कि भाई कैश ले आना, तो मेरे पास तो पेटीएम है और सर्वर का सीन हो सकता है, तो भाई ने कहा कि मेरे पास खुद 60 रुपये है। वो भी किससे लिए? टपरी वाले से लिए। अब जा रहे हैं हम लोग एटीएम, वहाँ से कैश निकालेंगे, फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट जा रहा है ना। हाँ। जो भी है वो कौन सा कोर्ट था, क्या कहते हो? 30,000 हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं भाई के, बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है भाई के लिए, बहुत जरूरी है। अगर आज ही मेरा डॉक्यूमेंट मिल जाता है ना तो कल का भी काम मेरा हो जाएगा। हाँ, तो पार्टी चाहिए। हाँ भाई, हॉस्टल मिल गया तो पार्टी चाहिए, बिल्कुल पक्की बात। ये रहा ना बैंक, ये रहा सामने बैंक, बस जस्ट इसके बगल में ही एटीएम होगा कहीं अंदर है। अच्छा, आते रहते हैं, मैं 51 वाले से आता हूँ ना ज़्यादातर, तो मुझे इसका यहाँ का पता नहीं है। मैं यहाँ पता है कि नहीं आता हूँ, मैं यहाँ नहीं आता हूँ क्योंकि मेरा भाई रहता है यहाँ। अब वो देखेंगे ना भाई तो कहेंगे कि दिन भर तो घूमता रहता है और यहाँ भी आ गया। अब तो अंदर एटीएम में पहले कैश निकाल के लाते हैं, अंदर शायद वीडियो वगैरह अलाउड नहीं होगा। ने कैश निकाल लिया है, अब जा रहे हैं हम लोग मेट्रो। एक तो हमारे यहाँ ना मेट्रो बहुत पास पास है, ये सबसे बड़ी बात है, और एसी है उसमें, सबसे बड़ी बात ये है मेन पॉइंट, जहाँ हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं दिल्ली साइड। अगर ऑटो से या किसी से भी जाए ना भाई, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और उमस इतनी ज़्यादा है। कैब से तो भाई मैं कई बार गया, लूट लेते हैं लोग। एक बार मैंने मंगवाया था अर्टिगा भाई, उसने मुझसे 2500 रुपये ले लिए थे गुड़गांव जाने के। तुम इस साइड आ जाओ, यहाँ से अगर कोई कैब भी करेगा ना तो यहाँ से वहाँ तक भी 150 रुपये ले लेते हैं यार। हाँ ले लेंगे अपने घर से ना। हाँ 20 रुपये 200 भी ले लेते हैं, 151 के 200 रुपये लेते हैं। मैं रात में 51 के मैं रात में आया था करीबन 10:30 बजे करीब, एक दिन है ऑटो वाले, सिर्फ 2-3 ऑटो वाले बाहर खड़े थे, सिर्फ घर तक जाने के लिए अमरपाली तक 120 रुपये ऑटो वाला। वाह, लास्ट टाइम में जब मैं आया था दिल्ली से आ रहा था तो फैमिली साथ में थी तो हमने 2 कैब किया था भाई। पास में कितना है वहाँ अपने घर से, 6-7 किलोमीटर ही होगा 51 भाई, 150-150 रुपये बोल रहा है कभी, अब वो कैंसिल कर रहे हैं बार बार, ठीक है। फिर आया 200 कुछ वाला, वो 2 कैब आई, फिर मैं गया वापस घर। एंट्री गेट ये ना, सेक्टर 62, बैंक ऑफ बड़ौदा, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। स्टेशन एंट्री नहीं पढ़ना चाहिए भाई, समझे? ये मोह माया मत पढ़ाया करो, कोई नहीं अच्छी लगी। काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ इस स्टेशन पे, मैं बहुत टाइम बाद। मैं अगली बार कब आया था? कब आए थे? करीबन
10-12 महीने पहले? नहीं 10-12 अच्छा महीने। एक अंकल की बहन थी, उसके बीए के पैसे नहीं गए, सारे के सारे 5 पेपर तो लिए, 5 उसने घर पे बैठ के लिखे, उनको फिर मैं ले गया। तो अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं, अब जल्दी से पहले टोकन लेते हैं फिर जाते हैं। भाई के पास कार्ड है, मुझे टोकन लेना है। कार्ड बोल देता मैं एक बार ले आता। अरे मुझे ध्यान ही नहीं रहा ना, अभी तुमने बोला तब याद आया, ध्यान ही रहा था। ध्यान होता तो मैं खुद ले आता, कार्ड तो मेरे पास दो पड़े हैं। इस साइड टोकन हो रहा ना, क्या कुछ देखना पड़ेगा ना, आउट ऑफ सर्विस। चले इधर से चलना। अबे यार बहुत ड्रामे कर दिए इन लोगों ने, अब तो ये नोट नहीं आएगा, वो नोट नहीं, और कितने सड़े से नोट दिए हैं। बाई चांस बारिश आ गया हमारा तो फिर सीन ही हो जाएगा। चलो ऊपर जाना, नीचे ऊपर। कहाँ कहाँ से जाना? नोएडा से इलेक्ट्रॉनिक सिटी से जाना है, यूं होते हुए यहाँ तक राजीव चौक। राजीव चौक से फिर येलो लाइन पकड़नी है, कश्मीरी गेट से फिर रेड लाइन पकड़नी है, 3000 याद है। ओ भाई बहुत घुमोगे है तो अच्छा लास्ट है ना, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई नहीं, दो जने साथ में होते तो कोई दिक्कत नहीं। ये सही कह रहा है यार, तुम अकेले आते तो फिर क्या। मैं कुछ नहीं, ऐड ईयरफोन लगाए कान में आता वहां पे बात बात करता अंकल से, वो देते सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट उससे लेके सीधे फिर सेक्टर में चढ़ जाता द्वारका। एक आ रही है ना, एक द्वारका सेक्टर 151 वाली आएगी, ये नहीं क्या 21 वाली आएगी, सॉरी सेक्टर 21 लास्ट स्टॉप द्वारका। हाँ अच्छा बना रखा है ये भी, पहले तो बहुत कम मेट्रो स्टेशन हुआ करते थे, आनंद विहार में सबसे पहला बना था, उसके बाद इधर भी आ गए, सब आ गए। इसमें भीड़ नहीं होगी मेरे ख्याल से, अब इसके आगे बस हम बैठ जाएंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अब बैठ गए तो बैठ ही गए, है ना। ये बस स्टॉप है ना, वो दिल्ली का इलेक्ट्रिक बस है, नहीं इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रिक बस है भाई, बहुत सेक्सी है पता है उसमें एसी। भाई मैं मथुरा में पहली बार बैठा हूँ इलेक्ट्रिक बस में, पूरी एसी भाई। और पता है कितने रुपए में मथुरा से वृंदावन गए थे, 18 रुपए में। बहुत सही है यार वो। कौन से स्टेशन पे है? हाँ कश्मीरी गेट से भी हम लोग रेड लाइन के लिए चेंज कर रहे हैं। ये लास्ट मेट्रो जो हमें चेंज करनी है, पहले इससे पहले हमने राजीव चौक से चेंज किया येलो लाइन के लिए, है ना। अब यहाँ से डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स उठाएंगे, फिर डायरेक्ट वापस कहाँ जाना उसके बाद? सेक्टर 59 जाना है हमें नोएडा, यहाँ क्राउड कम है। चलो अभी लास्ट ट्रेन है जो हमें चेंज करनी है, और ये भी आ गई। मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, मतलब स्टेशन पहुंच गए। अब यहाँ से हम लोग वो क्या कहते हैं, फ्लाईओवर होता है, क्या होता है वो, मतलब रोड क्रॉस करने का जो ब्रिज होती है वो ढूंढ रहे हैं। यहाँ से ना नीचे बोरा तो भाई यहाँ पे आने के लिए हमने तीन ट्रेन चेंज की है ना, एक दो तीन चेंज की है।
राजीव पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी से पहले ब्लू लाइन पे थे हम, उसके बाद राजीव चौक से येलो लाइन पे, और फिर राजीव चौक से हमने चेंज की और कौन सा, अच्छा टोकन लाना ना, एक सेकेंड। ये जो सामने ही है कोर्ट, यहाँ यार ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है। हाँ ये रहा कोर्ट जस्ट सामने, और यहाँ पे काफ़ी सारे BA LLB पास वाले बच्चे भी हैं, मतलब लॉयर्स है भाई। लॉ करके तुमने ऐसा क्या कर लिया, आगे पता चलेगा क्या हो गया। तो ये रहा कोर्ट भाई, कितना क्राउड है भाई, वकील ही वकील है, या तो सब भाई वकील ही भरे पड़े हैं, लॉयर 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 हर जगह लॉयर। कितनी इनकम हो जाती होगी इनकी, हाँ लाख तो हो जाती होगी भाई आराम से, हाई कोर्ट है ना तो आराम से होगी। जेल भी है, अच्छा जेल 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 वैन, हाँ ये जेल वाली सारी वैन्स खड़ी है साइड, और इधर लॉयर स्टूडेंट्स भी वगैरह हैं सारे, स्टूडेंट ही हैं आधे से ज़्यादा तो, हाँ इंटर्नशिप के लिए आए होंगे। साइड ATM है, किस साइड जाना है, ओ भाई यहाँ तो बंदर भी बहुत है, लेफ्ट लेफ्ट। मौसम कितना मस्त है यार, हाँ मौसम पे, हाँ और हमारे साइड कितनी उमस थी गर्मी, हाँ यहाँ बहुत मस्त वेदर, बहुत मस्त हो रहा है, बारिश भी हो जाए ना हम जब वापस जाएं इस साइड राइट। अब यहाँ से हम लोग जाएं तो बस यही वेदर हो या बारिश हो जाए थोड़ा, मतलब और ठंडा मौसम हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। ओ बंदर फोन में छिड़ने का डर होता है यहाँ, और किधर जाना भाई, ये कोर्ट इतना बड़ा है और प्लस यहाँ पे बहुत बहुत सारे लॉयर्स हैं, 700 ये नंबर देख रहे हो ना, ये जितने भी नंबर्स हैं ये इस हिसाब से ही यहाँ पे और लॉयर्स हैं, 757 इस साइड ही होगा इस साइड, क्योंकि 55 वहाँ है ना, 40 अरे 40 हो गया है तो चार सौ सत्तावन पीछे इस साइड, हाँ 40 है ना, ये 43 हो गया, 445 46 तेरा 48 47 456 आगे वाला होगा। तो अभी गाइज मैंने ना मौसम की कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी थी, तो फिर से उमस हो गई है और भाई के लग गए हैं L, क्योंकि आज जो सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले थे वो अब आज नहीं मिलेंगे, उन्होंने बोला कल आना, क्योंकि जिन भैया से बात की थी इन्होंने वो आज आए नहीं है, उन्होंने बोला कल आना। तो अभी हम लोग वापस अब मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, दिल्ली बार एसोसिएशन भाई, मतलब पहले ही बता देते जब ये सीन था तो वही यार कि हम नहीं आ रहे वगैरह, जबकि अंकल ने कल ही कॉल करके बोला था मेरे से कि आज आ जाना, मैंने कहा ठीक है, अंकल ने तुम्हें धोखा दे दिया, अंकल ने मुझे तो नहीं दिया, चलो कोई नहीं होता है कभी कभी, क्या पता कल का दिन बढ़िया निकल जाए, कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हॉस्टल भी मिल जाए, सही बात है होता है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं मेट्रो स्टेशन, पास में तो है वैसे भी, जल्दी क्या है, यहाँ की वाइब भी अलग है यार, सारे लॉयर्स 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 लॉयर्स। मैंने मज़ा लिया है क्योंकि मौसम बहुत अब ख़राब हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर दी थी ना मैंने इसलिए। तो भाई पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे बेस्ट विशेस, कोई इलेक्शन में इलेक्शन खड़े में इलेक्शन में कोई खड़ा हुआ तो उसका वो लगा है पोस्टर वगैरह, और इधर ये वो हैं जो कैदियों को बस में ले जाते हैं ना,
तो वापस मेट्रो स्टेशन आ गए हैं, अब यहाँ से टोकन ले रहे हैं। कौन सा लेना है? सो जाए भाई, टोकन आ जाएगी। आ गया, आ गई। चलो जल्दी इधर इधर इधर। अब वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है अब यार। हम लोग अभी नोएडा 59 आ चुके हैं, सेक्टर 59। तो अभी कहाँ जा रहे हैं भाई? अभी जा रहे हैं नोएडा होटल नोएडा। अभी उज्जवल भाई, उज्जवल भैया के पास ना, अभी जा रहे हैं हम लोग उज्जवल भैया के पास, होटल नोएडा स्विस स्वीट्स वहाँ पे। अच्छा स्वीट्स मिठाई की दुकान ना? नहीं नहीं सूट्स। अच्छा सूट्स, SUIT। अच्छा अच्छा सूट्स। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं उज्जवल भैया के पास। अबे यार कितना नॉइस है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं उज्जवल भैया के पास, फिर मिल मिला के फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे यार। अभी तो काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है अब तो, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। और ऊपर से हमारा आज पूरा 2 घंटा नहीं 3 घंटा वेस्ट हुआ है, बर्बाद हुआ। चार हाँ डेढ़ घंटा उधर, दो घंटे पर, मतलब 4 घंटे वेस्ट हुए हमारे। ये बताएंगे, मना कर रहे हैं ये जाने से। टूर चलेगा क्या? चलेगा, ये भी मना कर रहा है। मतलब हमारे यहाँ आज दिन की ना एल लगे पड़े हैं। तो गाइस तेरे नहीं लगे पड़े, आज तो मेरे साथ आ गए, मेरा के पूरा महीने के एल लगे पड़े। कोई नहीं, सीधे 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 चलोगे? सीधे हाँ। कितने लोगे? ठीक है चलो फिर। तो बस थोड़ा सा दूर और है, फिर हम लोग मिल ला के, मतलब 1-2 घंटे भी रुकेंगे, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं यार। सबसे पहले तो पानी पीनी है भाई, उसके बाद घर निकलेंगे, शायद रात हो जाए घर निकलते तो, उसके बाद डायरेक्ट जाके खाना वाना खा के सो जाएंगे। हाँ अगर मिल गए तो रात हो जाएगी, नहीं मिले तो अगर भैया नहीं मिले तो डायरेक्ट घर चले जाएंगे। भाई साहब गर्मी में पूरी वो टी शर्ट दिख गई है मेरी तो। 15 मिनट से हम लोग घूम रहे हैं, मैप ना गूगल मैप यार इतना खराब है कि पूरा एक पास में ही था, लेकिन पता है ना 2 किलोमीटर तो आराम से घूमे। चलो 1 किलोमीटर ही माने थे। हाँ भाई, और गर्मी इतनी ज्यादा यार कि दिमाग खराब हो गया, पूरा टी शर्ट गीली हो गई है। चल रहे हैं यार जल्दी ये वाला। तो गाइज़ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।